इंडिया इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो ये लाइव विजुअल्स आपको दिखा रहा है जिला रामपुर से। शहर रामपुर से जो है वो पुलिस के की जो है वो झड़प हुई है, कुराशरी बिरादरी और पुलिस के बीच में जो है काफ़ी नोकझोंक हुई है, काफ़ी झड़प हुई है। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से कुरैशी समाज के जो लोग हैं वो जो हैं वो चौराहों पे आकर उन्होंने प्रशासन के खिलाफ जो है वो नारेबाजी की है। प्रशासन के खिलाफ ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये भीड़ जो है ये जमा हुई है। ये भीड़ में ये लोग जमा होकर प्रशासन के खिलाफ जो है ये नारेबाजी कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मजमा जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। ये लोग घर छोड़ के चौराहे पर आकर जो है वो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। अवैध स्लॉटर हाउस के ऊपर ये विवाद खड़ा हुआ है। ये सारा मसला जो है वो अवैध स्लॉटर हाउस को लेकर हुआ है, जिस वजह से ये झड़प हुई है पुलिस के बीच में। बिगड़ते हालात और जाम को देखते हुए पुलिस ने जो है वो मोर्चा संभाल लिया है। एडिशनल एसपी अरुण कुमार सिंह ने जो है वो मोर्चा संभाल लिया है। सात के आसपास के जो भी मोहल्ले हैं उसमें जो है भारी पुलिस बल को जो है वो तैनात कर दिया गया है। मोहल्ला घेर, मर्दान खां, चाकू बाज़ार, नसरुल्ला खां बाज़ार में फोर्स जो है वो स्थित है। काफ़ी ज़्यादा फोर्स जो है वो जायज़ा ले रही है। शहर की जो दुकानें हैं उनको जो है वो बंद करा दिया गया है। काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ हालात बिगड़ते दिख रहे हैं। हालांकि जो हम जानते हैं कि चुनाव का जो पर्चे हैं वो भरे जाने हैं, तो ये किस तरह का माहौल जो है इस वक्त रामपुर में हो रहा है। हिरासत में भी लिया गया है, उनके खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस जो है वो आगे की कार्रवाई में जुट गई है, लेकिन ये खबर जो है रामपुर से आ रही है। ये खबर जो है ये किस तरह की ये बातें रामपुर में हो रही हैं। हालात जो है रामपुर में हमने देखा कि इससे पहले भी बिगड़ रहे थे, और इलेक्शन जो वो करीब हैं और नामांकन जो है वो भरे जाने हैं, तो ये किस तरीके का माहौल जो है वो रामपुर में जो है पैदा किया जा रहा है। किस तरह का जो दहशत का माहौल है वो ज़िला रामपुर में पैदा हो रहा है। तो फिर किसी और न्यूज़, किसी इन्फॉर्मेशन टॉपिक के साथ हम रहेंगे आपके साथ मौजूद। आप बने रहिए द इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो के साथ। जय हिंद।